तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी भोपालपल्ली में केटी के एफआई ऑनलाइन पर पहुंचे हैं। संगरेनी के कारकुनों से उन्होंने एक मुलाकात की और एक मीटिंग भी मुनाकिद की। टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कारकुनों के मसाइल से वाकफियत हासिल की और उन्हें तयखुन दिया कि वो उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। मौलिक सदज संपदन का तेलंगाना खान विकास कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी अपने दोस्तों के साथ चटियाला जिले परिषद हाई स्कूल 1969-70 के साबिक तलबा के री यूनियन में जमा हुए। उन्होंने अपने तालिब इल्मी के दिनों के तजुर्बात और यादें अपने दोस्तों के साथ ताज़ा की जो उनके साथ बतौर स्कूल पढ़ चुके थे। उन्होंने अपने ही गाँव अरुमादलू में अपने घर पर साबिक तलबा की महफिल का इनेकाद किया। 25,000 रुपए की माली इमदाद दी गई और मौत के बाद उनके खानदान के अफराद को गुत्ता सुखेंदर रेड्डी के तमाम साथी जो खानसास कौंसिल के चेयरमैन की हैसियत से मसरूफ थे एक हो गए और नाम लेकर सबकी खैरियत दरियाफ्त की। वजीर बराए माहौलियात जंगलात ए इंदिरा करण रेड्डी के जरिए बीड़ी के पत्तों के जमा करने वालों में बीड़े लीफ के खालिस आमदनी की तकसीम अमल में आई। आज का प्रोग्राम चिंदला मानी पल्ली सरपुर कागज नगर में मुनाकिद हुआ। एमएलए कोनेरु कोम्पा उत्तरम सक्कू पीसीसीएफ और एचओएफएफआरएम डोबरियाल सीसीएफ विनोद कुमार केबी आसिफ आबाद कलेक्टर हेमंत बोरकड़े डीएफओ आशीष सिंह एफडीओ विजय कुमार बीड़ी लीफ जमा करने वालों और इस्तफादा कुनिंदगान ने बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत की। एमएलए शकील आमिर ने शकनगर के वार्ड नंबर 21 उर्दू मीडियम स्कूल का दौरा किया और स्कूल की हालत को बेहतर बनाने के लिए 50 लाख रुपए देने का वादा किया और उन्होंने ये भी कहा कि तलबा पर फीस के लिए दबाव ना डाला जाए। वो हर महीने स्टाफ को 80,000 रुपए अदा करेंगे। आयशा फाउंडेशन के तलबा की जानिब से जिसे एमएलए शकील आमिर की अहलिया चला रही है जिसमे अंग्रेजी बोली जाती है, 4 कम्प्यूटर्स के साथ उस्ताद और बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज भी उनकी तरफ से बहुत कम वक्त में फराहम की जा रही। उन्होंने मौके पर ही एमएलए ने हमद कौंसलर इम्तियाज कौंसलर नरी बाबा और दीगर रहनुमाओं की मौजूदगी में 10 लाख रुपए के तरक्याती कामों के जिमन में मंजूरी थी। बीजेपी लीडर और फिल्म अदाकारा खुशबू सुंदर को ख्वातीन के कौमी कमीशन का रुकन नामजद किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तकरीरी का नोटिफिकेशन पोस्ट किया। खुशबू ने ट्वीट किया, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकज का शुक्रिया। मैं ख्वातीन की ताकत के तहफ्फुज़ के लिए सख्त मेहनत करूंगी जो आपकी क़यादत में कदम ब कदम बढ़ रही। बीजेपी तमिलनाडु के सदर के अनामलाई ने कौमी ख्वातीन कमीशन के रुकन के तौर पर खुशबू की तकरीरी पर खुशी का इजहार किया। अदाकारा खुशबू ने 2010 में डीएमके में शमूलियत अख्तियार की, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गई और 2021 में बीजेपी में शामिल हुई। ममता कुमारी और डेलेना कोंग डूप को भी वुमेन कमीशन का मेंबर बनाया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी कार्डियोलॉजी गायनेकोलॉजी डेंटल जनरल मेडिसिन डायलिसिस और फिजियोथेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन 2D डिजिटल एक्सरे अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन थिएटर ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।